गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। वी विल कवर दीज थ्री क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज व्हाट इज सपोनिकेशन, गिव द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, द हाउ मिसेल्स आर ऑब्टेंड एंड गिव ऑल्सो मैकेनिज्म। सो फर्स्ट द वर्ड डिटर्जेंट, इट इज़ अ वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये? लैटिन लैंग्वेज का, विच बेसिकली मीन्स टू वाइप क्लीन। डिटर्जेंट मीन्स टू वाइप क्लीन, किसी भी चीज को क्लीन करना, साफ करना क्या है? डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सोपी डिटर्जेंट एंड नेक्स्ट वन इज नॉन सॉपी डिटर्जेंट। सॉपी डिटर्जेंट है उसको हम बोलते हैं सोप, और जो नॉन सॉपी डिटर्जेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। Later on we will discuss what is soap and detergent and the difference between soap and detergent. Soap kya hota hai? Na means sodium or potassium. Salt of sodium and potassium with long chain fatty acids. Long chain fatty acid. Salt of NaK, or we can say sodium or potassium salt of long chain fatty acids are called soap. Soap क्या हो जाएंगे हमारे? Sodium और potassium के salt with long chain fatty acid. अब long chain fatty acid क्या है? Long chain means क्या हो गया कि इसमें कार्बन एटम्स जो है वो हमारे C12 से लेके C31, C35 इतने भी हो सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैन बी फॉर्मिक एसिड, ऑलिक एसिड, देयर आर टू और मोर देन फैटी एसिड्स अवेलेबल विच इज यूज्ड टू मेक सोप। तो ये तो हो गया हमारा सोप। अब सोप जो है वो बेसिकली बनाया कैसे जाता है, उसका जो प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? सपोनिकेशन। तो आई एम राइटिंग हियर द सपोनिफिकेशन। इट इज अ मेथड in which sodium hydroxide or potassium hot sodium, मतलब sodium hydroxide या potassium hydroxide जो है वो कैसा होना चाहिए? गर्म। potassium हाइड्रो ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सपोनिकेशन। इट इज़ अ मेथड इन विच हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड टू मेक द सोप। ये तो हो गई इसके डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन ऑफ सपोनिफिकेशन। सो वी हैव रिएक्शन CH2COOR
again CH2 COOR. This is the, ये क्या है, फैटी एसिड का फॉर्मूला है, फैटी एसिड. इट रिएक्ट विथ NaOH. किसके साथ रिएक्ट करेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. देन वॉट विल वी गेट? वी गेट RCOONa प्लस CH2OH, CHOH, अगेन CH2OH. तो ये तो क्या हो गया हमारा सोप. एंड वॉट इज इट? इज ग्लिसरॉल. ये क्या है हमारा? ग्लिसरॉल. जैसे हमारे पास में सपोनिफिकेशन की रिएक्शन होगी तो उसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या होगा? ग्लिसरॉल. अब ये है फैटी एसिड्स. यहाँ पे मैंने लिखा है R. R मीन्स क्या है यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन है. कि यहाँ पे कार्बन जो है उसके नंबर जो है वो जिस टाइप का हमने फैटी एसिड लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. इसने रिएक्शन करी, बैलेंस करे रिएक्शन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3Na. तो हमको एक तो मिल गया सोप और दूसरा क्या हो गया हमारे पास में? साइड प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्लिसरॉल. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सपोनिफिकेशन. यहाँ पे भी देखो, अब सोप जो है यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ R लिखा है. अभी मैंने सिर्फ क्या लिखा है? R लिखा है. तो R जो है वो क्या है हमारा? बेसिकली हाइड्रोकार्बन. R इज हाइड्रोकार्बन. R क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन. तो R की जो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है विल बी वेरी. तो वो चेंज हो सकता है कि हमने किस टाइप का फैटी एसिड लिया उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा R जो है वो क्या होगा. ठीक है. अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? सोडियम सॉल्ट है. तो हमारे नेचर में जो वाटर है वो टू टाइप का है. एक है हमारा सॉफ्ट वाटर और दूसरा है हमारा हार्ड वाटर. तो सोप जो है वो क्या करता है? सॉफ्ट के साथ में तो जो क्लीजिंग की रिएक्शन एक्शन है वो आराम से कर लेता है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ में ये सोप जो है वो ढंग से सफाई का काम जो है वो नहीं कर सकता है. देखते हैं क्यों. वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. अब हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर टू टाइप्स के सॉल्ट होते हैं. एक तो होता है इसके अंदर मैग्नीशियम की सॉल्ट और दूसरा होता है कैल्शियम के सॉल्ट. सॉफ्ट वाटर के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है. अब देखो इसमें होगा क्या, हमारे पास में सोप का फॉर्मूला क्या हो गया? आर सी ओ ओ एन ए. अब यहाँ पे जैसे ही ये सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो होगा क्या कि ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन जो है वो क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे. सोडियम आयन को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? आर सी ओ ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम जी प्लस टू और कैल्शियम प्लस टू. और ये जो बनेगा हमारे पास में इट इज़ इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन वाटर. ये कैसा है? वाटर में इनसॉल्यूबल है. इसीलिए जो वो हमारा सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ में ढंग से रिएक्शन नहीं कर सकता है. आपने देखा होगा जैसे अगर मैं अपने बालोतरा एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे अब तो है जो वो सॉफ्ट वाटर अवेलेबल है, लेकिन पहले जो वाटर था वो कैसा था? हार्ड वाटर था. तो जैसे ही हम उसके साथ में सोप की रिएक्शन करवाते थे, जैसे हमने कपड़े धोए हैं या हम नहा रहे हैं, तो क्या होता था कि जो गंदगी है वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होती थी और ये जो इनसॉल्यूबल जो सब्सटेंस बनता था विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटे. एक ऐसा मटमैले कलर का क्या बन, ना तो ढंग से उसके झाग बनते थे, एक मटमैले कलर सा चिकना सा पदार्थ बनता था जो वाटर में क्या होता था? इनसॉल्यूबल होता था. ठीक है. तो यही रीजन है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में ढंग से क्लीजिंग रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता है. बिकॉज हार्ड वाटर में क्या होते हैं? टू टाइप्स के आयन्स होते हैं, मैग्नीशियम प्लस टू और कैल्शियम प्लस टू, जो क्या करते हैं? सोडियम आयन को रिप्लेस कर देते हैं. उसके बाद में जो सब्सटेंस हमको मिलता है वो हमारा वाटर में क्या होता है?
इनसॉल्यूबल होता है, दैट्स व्हाई सोप कैन नॉट टेक अ क्लीजिंग रिएक्शन इन हार्ड वाटर, बट इट कैन ईजीली वर्क और रिएक्शन विथ सॉफ्ट वाटर्स, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में ये सारे जो सॉल्ट्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये एक हमारी हो गई प्रॉपर्टी. उसके बाद में जैसे अभी हमने सफोनिफिकेशन की रिएक्शन देखी थी, तो भी हमने उसमें क्या यूज़ किया था, NaOH यूज़ किया था. अगर हम उसकी जगह KOH जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो सोप बनते हैं वो सोप कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. तो उनका यूज़ हम कहाँ करेंगे, सेविंग क्रीम बनाने में, शैम्पू बनाने में, फेस वॉश बनाने में. तो इन सब को बनाने में जो यूज़ होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, उसके बाद में आपने एक सोप यूज़ नहीं किया तो उसकी एड तो देखी होगी, पियर्स सोप आता है, पियर्स विच इज़ ट्रांसपेरेंट. वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट. इसके अलावा भी कई सोप आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो ट्रांसपेरेंट सोप को बनाने के लिए ग्लिसरीन का यूज़ होता है. किसका यूज़ होता है, ग्लिसरीन का यूज़ होता है. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के बोर्ड में कई बार पूछी हुई है कि विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप. आंसर विल बी ग्लिसरीन. ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं हम ट्रांसपेरेंट सोप को बनाने में. ठीक है, तो अब हमारे साथ में क्या हुई, एक प्रॉब्लम कि हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्लीजिंग एक्शन जो है उसको ढंग से नहीं कर सकता है. टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी यूज़ डिटर्जेंट. अब हमको क्या करना है, डिटर्जेंट का यूज़ करना है. तो ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया. सेकेंड डिटर्जेंट डिस्कस करने के बाद हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो हम बात करते हैं डिटर्जेंट की. तो डिटर्जेंट जो है इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर दोनों में ही ढंग से रिएक्ट कर सकता है. क्लीजिंग एक्शन जो है वो दोनों में इसकी क्या होती है, प्रॉपर होती है. ठीक है, और डिटर्जेंट जो है इसका लार्जली यूज़ होता है हमारा वॉशिंग पर्पज में. जितनी भी धोने की चीज़ें हैं, जैसे कुछ भी हमको धोना है तो उसको, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं. बेसिकली आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो लाइफ है, टेक्नोलॉजी वाली लाइफ है, तो उसमें मोस्टली सब क्या करते हैं, अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन. तो वॉशिंग मशीन में हम जो है वो सोप यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज़ डिटर्जेंट इन वॉशिंग मशीन. ठीक है, तो डिटर्जेंट जो है उसकी एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर दोनों में अपना काम जो है वो करता है, और दूसरा है कि डिटर्जेंट जो है वो लार्जली यूज होता है फॉर द वॉशिंग पर्पज. अब डिटर्जेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, R O SO3 Na. दिस इज द माइनस और ये क्या हो गया हमारा प्लस. उसके बाद में आता है RC6H5 अगेन SO3 प्लस माइनस. ये दो टाइप के हमारे पास में है, इट इज़ नोन एज सोडियम एल्किन सल्फेट, और इसको हम कहेंगे C6H5 इज नोन एज बेंजीन. ये क्या है, बेंजीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. अब यहाँ पे सेम केस है, सोप का फॉर्मूला था RCOONA. अब यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है,
Na means sodium ion है। अब जैसे ही ये डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ में तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन जैसे ही ये हार्ड वाटर के साथ भी अच्छे से काम करेगा, बिकॉज हार्ड वाटर जो है अगेन उसमें क्या है, कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, ये दोनों आयन्स क्या करेंगे, अगेन इन सोडियम आयन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही मतलब डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम आयन अगेन क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, या तो मैग्नीशियम या तो कैल्शियम। लेकिन उसके बाद में जो सब्सटेंस बनेगा तो वो क्या होता है, हमारा वाटर में सॉल्यूबल होता है। सोप के केस में क्या था कि जैसे सोडियम आयन रिप्लेस हुआ तो जो सब्सटेंस बना वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, दैट्स वाई डिटर्जेंट कैन ईजीली वर्क विथ हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो ये बेसिक और सबसे मोस्ट डिफरेंस है बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो दोनों हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में अच्छे से रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो R है इट इज़ नोन एज एल्काइली ग्रुप। अब आजकल के टाइम में क्या होता है कि हमको क्या करना है कि ये जो डिटर्जेंट जो है इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ क्वालिटी। तो इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक जैसे फॉस्फेट हो गया, उसके बाद में इसके अंदर कुछ साइनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होती है हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें अच्छे से क्या आती है, साइन आती है उसको देखते ही। उसके अंदर कुछ अच्छे से फ्रेगनेंस के लिए भी उसके अंदर कुछ सब्सटेंस जो है वो ऐड किए जाते हैं। जैसे आपने घर पे देखा होगा कि जैसे इफ़ वी आर यूजिंग एरियल, सर्फ एक्सल और टाइड, एनी टाइप ऑफ डिटर्जेंट, तो जैसे ही हमने उससे कपड़े वॉश किए हमारे क्लोथ, तो जैसे हमारे कपड़े सूख जाएंगे तो उसके अंदर एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी, हमको उससे पता चल जाता है कि ये इस डिटर्जेंट से क्लीन किए हुए हैं, इस डिटर्जेंट से धोए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या क्यों होती है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है उनकी भी अलग अलग क्वालिटी है, अपर क्वालिटीज़ के डिटर्जेंट जो है वो अवेलेबल है, थोड़े मिडिल क्वालिटी के और लोअर क्वालिटी के जो है डिटर्जेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो इनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो ये डिटर्जेंट है इसमें ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, तो इसका जो पानी है वो जब बाहर जाएगा, जैसे हमने वॉशिंग एक्शन किया उसके बाद में जो वाटर जो है वो बाहर जाएगा, तो वो जो बैक्टीरिया जो है वो इस वाटर को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डिटर्जेंट से पोल्यूशन फैलता है। क्या होता है, पोल्यूशन। अब अगर हम शॉर्टर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब हमारी जो डिटर्जेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो फैटी एसिड की जो चेन है वो अगर शॉर्ट है तो बैक्टीरिया उसको इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको बैक्टीरिया जो है वो इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते, दैट्स वाई इट इज़ अ रीज़न ऑफ पॉल्यूशन। तो ये हमारा सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, कि सोप जो है वो किसी भी टाइप का पोल्यूशन जो है वो उसको नहीं फैलाता है, जबकि डिटर्जेंट जो है उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटर्जेंट के बारे में। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, गिव द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो बेसिक डिफरेंस, सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो क्या था हमारा, कि सोप जो है वो केवल किसमें क्लीजिंग एक्शन को इजीली करता है, सॉफ्ट वाटर में, बट डिटर्जेंट कैन वर्क इन सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या हो गया कि सोप जो है वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के, जबकि जो डिटर्जेंट है वो क्या है, एल्किली सल्फेट और सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट होते हैं। सोप जो है वो सोप से किसी भी प्रकार का जो पोल्यूशन है वो नहीं फैलता है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो पोल्यूशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है मिसेल फॉर्मेशन, कि हमारा जो सोप है वो जो क्लीजिंग एक्शन है उसको कैसे करता है। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा मिसेल फॉर्मेशन। हमारे पास में फॉर्मूला है RCOONA, ठीक है। अब ये RCOONA, इसके दो पार्ट है, इसके कितने पार्ट है, दो। देखो इस R की जगह मैं लिख सकती हूँ C17H35 COONA, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द R इज हाइड्रोकार्बन। R क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, और सी मीन्स कार्बन। तो आर जो है वो किसके लिए आएगा, हमारा हाइड्रोकार्बन के लिए आएगा। तो इसको अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, सी ओ ओ माइनस प्लस एन ए। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, C17H35 सी ओ ओ माइनस प्लस एन ए प्लस। अब ये सोडियम आयन तो इससे अलग हो गया, अब हमारे पास में क्या आ गया, RCOO माइनस। अब यहाँ पे देखो इसके भी कितने पार्ट है, दो पार्ट है। एक ये पार्ट जो है ये तो क्या हो गया हमारा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, ओ माइनस मीन्स इट इज नोन एज पोलर पार्ट। ये क्या है हमारा, पोलर पार्ट है। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग चेन, और ये हो गया हमारा पोलर पार्ट। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और ये हमारा हो गया पोलर पार्ट। अब देखो पोलर पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। मतलब ये पार्ट कैसा है हमारा, वाटर लविंग। और ये होता है हाइड्रोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, हेटिंग और डर लगना, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी, इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि मिसेल जो है वो कैसे बनता है। अब मोस्ट ऑफ जो हमारी, जैसे हमारे कपड़ों पे जो भी गंदगी है वो मोस्टली कैसी होती है, ऑयली इन नेचर। कैसी होती है, ऑयली होती है, ठीक है। तब होगा क्या, सपोज़ वी हैव अ क्लोथ और इस पर हमारा कोई ये ऑयल का स्टेन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये वाला पार्ट जो है वो पोलर पार्ट और ये क्या है हमारा, नॉन पोलर पार्ट। अब ये जो है ये क्या है, ऑयल है। ये क्या है, ऑयल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक, इसका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है जो क्या करता है, वाटर लविंग है। जो कैसा है, वाटर लविंग है। ये वाटर लविंग पार्ट जो है वो तो क्या रहेगा, ऊपर की तरह, क्योंकि इसको तो सिर्फ किससे लव है, सिर्फ वाटर से। लेकिन जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो वाटर रिपेलेंट है, तो उसको कौन अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो यहाँ दोनों चीज़ें अपोजिट है, जो चीज़ वाटर लविंग है वो उसको डर्ट या जो गंदगी है वो अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज इट लव्स वाटर। और जो हाइड्रोफोबिया वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इसको क्या लगेगा, इसको वाटर तो अच्छा नहीं लग रही है, वाटर रिपेलेंट है, लेकिन इसको जो ऑयली चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो
अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बेसिकली क्या कहा जाता है, मिसेल। इसको क्या कहा जाता है, मिसेल। अब इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या कि सपोज ये कोई हमारा क्लोथ है और इस पे ये ऑयल का स्टेन है, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया, उसको वाटर से गीला किया और उसके ऊपर क्या लगाया, सोप लगाया। तो जो सोप है उसके दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोकार्बन पार्ट और नेक्स्ट वन इज़ पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट है वो वाटर लविंग है, वो वाटर लविंग है मीन्स उसको क्या अच्छा लग रहा है, वाटर अच्छा लग रहा है उसको। जो हमारा ये ऑयल स्टेन है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या रहेगा, इस ऑयल स्टेन से दूर रहेगा, उससे बाहर रहेगा। लेकिन जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिया मीन्स उसको वाटर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको जो ये ऑयली स्टेन है वो अच्छा लग रहा है, तो वो सब क्या करेंगे, इस ऑयली स्टेन के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये क्या करेंगे, इस ऑयल स्टेन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जैसे इस क्लोथ को हम इसके ऊपर एक बार हमने साबुन लगाया, इसके ऊपर हम वापस जब पानी डालेंगे तो क्या होगा कि ये वाले जो वाटर वाले वाटर लविंग पार्ट है ये क्या करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे, और जब जैसे ये दूर हटेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो भी क्या करेगा, जो हमारा ऑयली स्टेन है, जो हमारी गंदगी है, उसको कपड़े से साथ में लेके क्या हो जाएंगे, पानी के साथ में अलग हो जाएंगे। फिर भी कुछ पार्ट अगर बच जाता है तो अगेन हम उसको क्या करते हैं, पानी से साफ़ करते हैं, तो ये वाली जो हमारा ऑयली स्टेन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली नोन एज मिसेल। तो मिसेल, हाउ द मिसेल इज ऑब्टेन, तो उसमें ये वाली चीज़ आपको क्लियर करनी है। पहले आपको क्या करना है, सोप का फॉर्मूला लिखना है। सोप के फॉर्मूले के दो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट, ये सारी चीज़ क्लियर करनी है, और उसके बाद में आपको ये मिसेल स्ट्रक्चर जो है उसको समझाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा, इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि जैसे ये हमारा वाटर है और उसके ऊपर ये कोई स्टेन है, ठीक है। पहले ये ऐसे ही था, नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, ये जो स्टेन है इसके ऊपर हमने क्या लगाया, सोप। तो सोप का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कैसा होगा, हमारा मिसेल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन में ये स्टेन जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सोप जो है वो क्या करेगा, क्लीजिंग एक्शन के थ्रू इसको साफ कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मिसेल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मिसेल। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5th, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एंड टुडे वी विल डिस्कस दीज 3 क्वेश्चन, व्हाट इज सपोनिफिकेशन, गिव द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, मैक्सिमम 3 or 4 डिफरेंस, हाउ द मिसेल आर ऑब्टेंड एंड गिव ऑल्सो मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो हमने क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी आपको लगता है कि हमको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।